तीसरी चीज तो बहुत गंभीर चीज है जो आप दुनिया के अमन को बिगाड़ रही है, वो क्या होगी आपके हिसाब से? वो है हिजाब का कॉन्सेप्ट। में अगर आप देखेंगे तो मैं पहले आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूं, हिजाब नहीं करने से नुकसान क्या होते हैं। हिजाब नहीं करने से यूएस और अमेरिका में आप देखेंगे तो हर छह मिनट के अंदर एक खातून के साथ वहां पर उसका एक रेप होता है, हर छह मिनट में एक रेप। और आज जो इंडिया की स्टैटिस्टिक्स में हर 20 मिनट्स में एक औरत का रेप होता है। मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं इंटरनेट से स्टैटिस्टिक्स लाया हूं आपको, इंटरनेट से। मैंने अभी जो कहा हर 20 मिनट में एक का जो रेप होता है वो rupeenews.com अगर आप जाकर सर्च करेंगे तो इन्होंने कहा कि हर 20 मिनट में एक औरत का रेप होता है। अगर आप timesofindia.com पढ़ेंगे तो चाइल्ड रेप, जो बच्चों के साथ गैर गलत कामें होती हैं, वो है 2001 से 2011 तक 10 साल में कितने हुए? 10 साल में 48,338 चाइल्ड रेप हुए हैं 10 साल में। ये कहां पर? timesofindia.com पर अगर आपको मिल जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ncrb.com के मुताबिक केसेस इन 2011 इंडिया में 2011 में आपको कितने मिलेंगे केस? 2,28,650। अगर आप पढ़ेंगे ibnlive.com, इसमें कहा गया दिल्ली में 635 रेप्स हुए हैं, उसमें से सिर्फ एक इंसान को कन्विक्शन मिला है, यानी एक को सजा मिली। उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे Zee News में, अगर आप पढ़ेंगे तो इंडिया में 1953 से लेकर 2012 तक रेप के स्टैटिस्टिक्स कितने बढ़े हैं? 800% से ज्यादा। ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि खवातीन ने अपने आप को नुमाइश की तौर पर प्रेजेंट किया है। देखिए, एक हीरा है, हीरा अपनी चमक जब चमकाएगा तो अच्छे इंसान के दिल में भी नियत आएगी कि मैं उसको एक बार छीलूं। जब छीता है इंसान तो इतने सारे स्टैटिस्टिक्स बनते हैं, समझ में आई बात? एक इंसान जब हीरा चमकता है तो एक अच्छे इंसान के दिल में भी नियत आएगी भाई मैं पूरी तरीके से हासिल नहीं करूंगा, खाली इसको टच करके देखूंगा हीरा कैसा होता है। तो खवातीन, हमारे जो खवातीन है वो इस उम्मत के हीरे की तरह है, उसे क्या करो आप? पर्दे में रखना चाहिए, उसे हिफाजत में रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स में कई सारी खवातीन रहती है। क्या हर खवातीन अपना जो हीरे जवाहरात है लाकर अपने गेट के ऊपर लगाते हैं? नहीं लगाते। क्यों? अरे भाई वो कीमती चीज है, कैसा लगाएंगे हम गेट के ऊपर नुमाइश के तौर पर? आप नेकलेस लगा दिए, नेकलेस के नीचे नाम लगा दिए, मेरा नेकलेस है, कोई करे आज तक? ये नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स में करे, कोई दुनिया में करे, नहीं। क्यों? क्यों? कीमती चीज है। अगर कोई इंसान कह रहे भाई ये क्या भाई जो है नेकलेस के ऊपर जुलूम है, नेकलेस इतना अच्छा है और आप उसको छुपा कर रख रहे हैं, तो हम कहते हैं कि नेकलेस अच्छा है मगर उसको उसी को दिखाना चाहिए जो उसका मालिक हो। गेट पर तो छोड़ो, आप अपने फ्लोर पर रखते हैं? नहीं। कमरे में रखते हैं? नहीं। कमरे के अंदर अलमारी के अंदर एक लॉकर होता है, उसके अंदर एक लॉकर में रखते हैं। क्यों? एक कीमती चीज है। उसी तरह खवातीन, सिर्फ मुसलमान नहीं, दुनिया में जितने खवातीन हैं, ये खवातीन हमारे लिए हीरे और जवाहरात की तरह है। उन्हें क्या करना चाहिए? पर्दे में ही रखना चाहिए। औरत का जो वर्ड है वो औरा से निकलता है, औरा का माना होता है कि उसको ढांक कर रखे। जब औरत मुआशरे में निकलकर आती है, बेपर्दगी होती है, तो दुनिया में अमन गारत होता है। तो ये नहीं होने के वास्ते क्या होना चाहिए? एक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? अल्लाह सुबहान तआला ने कुरान मजीद में सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 30 और 31 में अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया, और हिजाब का सिस्टम, यह आयत कोट करने से पहले आपको एक बात बोलता हूं, हिजाब का सिस्टम बोलते हैं, हिजाब बोलते कौन आते दिमाग में? खवातीन आते? नहीं, हिजाब बोलते ही पहले मर्द आना। क्यों? तो हिजाब का हुक्म पहले खवातीन को नहीं है, पहले किसको है? पहले आदमी को है। अल्लाह सुबहान तआला ने आयत नंबर 30 में कहा, ए लोगों, जब तुम एक गैर महरम औरत को देखते हो तो क्या करो?
अपनी नजरों को नीचे कर लो। उसके बाद आयत नंबर 31 में अल्लाह सुबहाना ताला ने कहा, ऐ औरतों, खवातीन से मुखातिब होकर अल्लाह सुबहाना ताला कह रहे हैं कि तुम अपने आप को सर सर लेकर पांव तक ढांक लो। ये जब नहीं होता है तो होता यूं है कि मुआशरे में अमन गारत होता है। और सऊदी अरब की स्टैटिस्टिक्स भी आपको बताता हूं, ऐसा नहीं कि जहां पर गैर गलत का काम हो रहा है वही। सऊदी अरब की स्टैटिस्टिक्स nationmaster.com में पूरे एनुअल रेप स्टैटिस्टिक्स 0.3% है सिर्फ 0. अगर आप उसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो एक तकरीबन 100 या 150 के करीब आते हैं। और अगर वो विटनेस के मुताबिक अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको रजम की सजा मिलती है। आज आप देखिए, आज पूरी इंडिया में ये जो खवातीन के खिलाफ जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आज इंडिया का लॉ कह रहा है कि जो ये गैर गलत काम करता है उसको क्या सजा दो, डेथ पेनल्टी दो। आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, आप टीवी चैनल्स पर देखते हैं, 1400 साल पहले अल्लाह सुबहाना ताला ने कुरान मजीद में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी इस तरीके की हरकत करता है उसे रजम की सजा दो। जब हमने ये बात कही तो ये डेमोक्रेटिक लोग और ये जो मादा परस लोग कहते थे कि ये इस्लाम रिलीजन तो बारबारिक है, ये ह्यूमन राइट्स नहीं देता, ह्यूमन राइट्स की वैल्यू नहीं देता, मगर अब जब खुद पर बीत रही है तो कह रहे हैं कि डेथ पेनल्टी दो। क्यों? फितरत के अंदर वही है और अल्लाह सुबहाना ताला ने वही कुरान मजीद में उतार कर लोगों को बताया। तो ये एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। क्या हमें रिलीजन चाहिए या सिस्टम? खुद की जिंदगी में एक इंसान पैदा होके वो मरने तक उसको रिलीजन चाहिए या सिस्टम? एक आज लोग कह रहे हैं कि हमें रिलीजन नहीं चाहिए, हमें फला फला कुछ भी नहीं, सिस्टम एक ऐसा बता दो कि मैं पैदा होने से लेके मैं मरने तक जितने भी मरहले हैं वो मरहलों में मुझे एक सिस्टम मेरे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बन सके। ये अगर वो हो गया तो एक सामने वाला क्या करेगा, मैं वो सिस्टम को एक्सेप्ट करने की कोशिश करा।